Muchachos, ya va de primero. Okay. इंग्लिश पढ़े नहीं। अच्छा, गूगल मीट का रिक्वेस्ट हो जाए तो उसको डिक्लाइन करते हैं, फिर बोलते हैं मुझे एक्सेस नहीं मिला। कितनी तुम्हें मतलब डिजिटली हैंडीकैप आनी है यार, बोला स्टॉप। ओके तो बेटा इस केस में गुड विल निकाल दो। अभी केस में कॉलम 10 मार्क का है तो उसमें गुड कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि गुडविल की एंट्री को टोटल मार्क ही 2 मिलेंगे। उसमें कैलकुलेशन बहुत सारे दे दी तो उसमें फिर उसको मार्क कितना दो, तो उसमें भी अगर कैलकुलेशन आ गया तो एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही गुडविल आता है, सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं आता। तो पहले लिखो नोटबुक में, नोटबुक यानी बुकलेट में ब्लैंक पेज है ना बेटा, पेज नंबर बोलो बाकी पब्लिक को। अच्छा 153, 124, जहां पे भी ब्लैंक है लिखो, राइट। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड, अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लिखा बेटा, आता आलखा। स्टेप वन लिखो, स्टेप वन कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गिवन ईयर्स। या नो के बाद फुल स्टॉप देना, फिर कभी गलती करोगे टोटल नो आएगा क्या है, टोटल नंबर ऑफ गिवन ईयर्स। कैलकुलेट गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। लिखा लिखा क्या था, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। लिखा बेटा, अभी है ना, आप एक काम करो, आपके बुकलेट में प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए, नंबर 6 रेगुलर नंबर 6 दिख रहा है, इसमें देखो क्या बोला है।
लास्ट 6 ईयर का दिया दिखलाएगा सबको। और ऊपर गुडविल का एडजस्टमेंट क्या है, देखो गुडविल का एडजस्टमेंट है, गुडविल विच वुड बी बेस्ड ऑन 4 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का 4 यानी 4 टाइम्स। तो कैसे निकलेगा देखो, अभी सबसे पहले हमको क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। देखिए बोर्ड पे ध्यान दो सब लोग, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पहले साल का प्रॉफिट बताओ कितना है, 7,000, दूसरे साल का 45, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवे साल का, 45 है क्या, कौन सा सेकंड लास्ट 30, हाँ और 45। अच्छा सुनो ना, इसमें कोई भी साल का अगर निगेटिव प्रॉफिट दिया तो माइनस, मतलब निगेटिव लॉस दिया तो क्या करने का, माइनस डिवाइडेड बाय, ये कितने साल हो, 5, तो 5, अगर 3 हो तो 3, 6 है तो 6, जितने साल का है उतने से डिवाइड करने का। बोलो टोटल कितने, 2,55,000 डिवाइडेड बाय 5 आ गया 51। ये गुडविल नहीं है बेटा, वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट। देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। कितना एवरेज प्रॉफिट है बेटा, 51, और कितना लेने को बोला, 4 टाइम्स, 4 बोला है ना नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। कभी बोलते हैं इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट तो 51 ही गुडविल रहेगा, कभी बोलेंगे 2 टाइम्स तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम्स 3 से करो, 4 टाइम्स, कहां बोला है सर, देखो यहाँ पे लिखा सबको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस हाउ मच, 4, तो यहाँ पे लेंगे हम इंटू 4, तो कितना आ गया, 2,04,000। समझा बेटा, ये बिजनेस का गुडविल है। अभी हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब देखेंगे पार्टनर का निकालने को बोला हुआ बिजनेस का, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। फिर भी अगर आपको अभी देखना है तो देखो यहाँ पे, देखो क्या बोला है, पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल, तो पूनम का शेयर निकालना पड़ेगा, बराबर है, तो पूनम बिजनेस की पार्टनर कितने के लिए बन रही है, देख लो 1/5, तो पूनम 4,000 देगी या 2,04,000 का 1/5 देगी, वो थोड़ी बिजनेस परचेस कर रही है, वो सिर्फ उसके शेयर के लिए आ रही है, तो वो उसके शेयर के उतना ही गुडविल लगेगी। तो आप मुझे बताओ फिर पूनम का गुडविल कितना होगा, बोलो। देयरफॉर पूनम्स गुडविल इज इक्वल टू, बोलो पूनम का क्या, पूनम भाग जाएगी, अमाउंट हो जाएगी पूनम 2,04,000 इंटू 1/5, हर स्पैन सब जो है 40, अच्छे ठीक है बेटा, लिख लो, दिस इज कॉल्ड विच मेथड, एवरेज प्रॉफिट। इसको मार्क मिलेगा एक, एकमात्र मार्क, लेकिन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम सामने होगा। लेकिन ईयर ऑफ परचेस एंड नंबर ऑफ टाइम्स बोल दो, मैं तुझे बोल रहा हूँ, मेरे बिजनेस ठीक है तुझे ले लो, मेरा गुडविल 5 साल का 5 पट दे, मेरे प्रॉफिट का 5 टाइम्स है, 2 × 5, मेरा गुडविल प्रॉफिट का 3 टाइम्स है, 3, यस ठीक है। हेलो, एवरेज प्रॉफिट मेथड, अभी ऐसी दूसरी मेथड है सुपर प्रॉफिट,
नेक्स्ट मेथड का नाम लिखो, नेक्स्ट मेथड का नाम लिखो जो एग्जाम में कभी नहीं आई है पर आ सकती है ना। इमेजिन करो एग्जाम के दिन आपने आईना देख लिया, आप आ सकती है ना। पर नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डन लिखो था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर वो जहां पे ब्लैंक पे जो वहां पे लिखो बेटा। सुपर प्रॉफिट मेथड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड। अंडर दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। लिखा, अभी लिखो स्टेप्स, लिखो वन बाय वन। स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लिखो इज इक्वल टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व फंड ब्रैकेट में BL लिखो लेस P&L अकाउंट ब्रैकेट में लिखो BA। ठीक है बेटा, आपके क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया होता है, फिर भी अगर नहीं दिया तो कैसे निकालते हो। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड बोल तो बिजनेस में ओनर का क्या कंट्रीब्यूशन है। अब ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे दो पार्टनर है ए एंड बी, इनका 1-1 लाख रुपया कैपिटल है, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड में रिजर्व फंड है इनका 50,000, ठीक है बेटा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000, सो टोटल विल बी 2,50,000। पर समझो बेटा इसकी जगह एसेट साइड में P&L है 50,000, तो एसेट का P&L क्या होता है, लॉस। तो फिर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहेगा, 1,12,00,000 माइनस 50,000, 1,50,000। हैव यू अंडरस्टैंड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लिखा है, फॉर्मूला जरा पढ़ो सब लोग। ऑल पार्टनर्स कैपिटल, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 लाख प्लस जनरल रिजर्व ऑब्लिक रिजर्व फंड यानी पास्ट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, अभी तक का बाजू में रखा हुआ प्रॉफिट, क्योंकि वो भी ओनर का ही होता है, तो उसमें ऐड कर दो, क्योंकि ये भी लाइबिलिटी में, ये भी लाइबिलिटी में, पर कभी कभी पास एक्युमुलेटेड लॉसेज भी रह सकते हैं, तो लॉसेज भी ओनर ही भरेगा। तो अगर लॉस रहे तो लॉस कैसे पहचानते हैं, अगर एसेट साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस। तो अगर लॉस है तो उसको क्या करना है, माइनस। प्रॉफिट है तो क्या करना है, ऐड। पर आपको इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कैपिटल देते हैं, डायरेक्ट बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, खत्म, वही अपना आंसर है।
नहीं दिया तो टेक्निकली ऐसा निकालते हैं। इज दिस क्लियर? ओके, अब लिखो स्टेप टू। स्टेप टू लिखो बेटा। अभी बायलक आज सीए में भी यही है, लेकिन वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल रहेगा। स्टेप टू, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। सॉरी तो बेटा मैंने गलत लिखा, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर। अब करो आज कोई अब्सेंट है, आगे गुडविल की एंट्री, क्या करेंगे? बैडविल, क्योंकि हर प्रॉब्लम में गुडविल आने वाला है, और जब ज्यादा लोग अब्सेंट होते हैं मेरे अंदर तो शैतान घुस जाता है, तो मैं तो आज गुडविल की एंट्री भी सिखा दूंगा। लिखा दो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप थ्री लिखो। स्टेप थ्री, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो पिछली स्टेप में निकाला था, पिछले टाइप में, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअली बेटा ये भले मैं इसको एवरेज प्रॉफिट बोल रहा हूं, ये होता है एफएमपी। क्या होता है बेटा ये? एफएमपी। व्हाट एफएमपी स्टैंड फॉर? मराठी में भी इसका फुल फॉर्म मैच होता है और इंग्लिश में भी होता है, फ्यूचर मतलब प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो लिखो एवरेज प्रॉफिट कैसा निकाला था अभी दो मिनट पहले, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। शॉर्टकट में लिख दे रहे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर फोर, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट तो बेटा स्टेप थ्री में से टू माइनस हो गई तो सुपर प्रॉफिट आता है, यानी क्या? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिखा। लास्ट स्टेप लिखो नंबर फाइव, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नंबर फाइव लिखो, लिखो नंबर फाइव, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। एक एग्जांपल लिख लो बेटा, सब लोग राइट द एग्जांपल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस लिखा क्या सबने? अभी इसका जो एग्जांपल है बेटा, वो एग्जाम्पल अपने किसी भी प्रॉब्लम में नहीं आया है। बोलते एक से पंद्रह जितने भी हम लोग क्लास में प्रॉब्लम करने वाले हैं उसमें नहीं है। बुक में अगर सुपर प्रॉफिट का प्रॉब्लम है तो वो हम देखते हैं, नहीं तो फिर मैं मन से दे दूंगा। बुक का इसलिए देता हूँ, गलती से कभी पढ़ाई की तुमने डिग गया
अच्छा रहेगा, और कोई पर्पज नहीं है। लिखो बेटा, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ गुडविल इज वैल्यूड, इफ गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, 2 ईयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको एग्जाम में ये नहीं दिया जाएगा तुम्हारे क्लास की फर्स्ट मेथड है या सेकंड, इस लाइन से डिसाइड करना है। इसके पहले प्रॉब्लम की लाइन थी गुडविल इज वैल्यूड एट सर्टेन ईयर ऑफ परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वहां पे एवरेज प्रॉफिट वर्ड था तो पहली मेथड है, यहाँ पे क्या वर्डिंग है? तो आपको तो दो ही है, एवरेज या सुपर, तो यहाँ पे कौन सी रहेगी? अब सुपर प्रॉफिट। अब डिटेल लिखो वन बाय वन, प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखो नेक्स्ट लाइन में, प्रॉफिट फॉर द ईयर एक के नीचे एक लिखो, 2014 2014 80,000 80,000 2015 95,000 95,000 2016 110,000 2017 40,000 ब्रैकेट में लॉस, 40,000 40,000 ब्रैकेट में लॉस। ए राजा लेते का गप्पा मारते, लीले का तो आता था प्लस विचारता, 40,000 लॉस लीले बगरे लीले का तो हाँ थोड़ा रहा है मेरे को लॉस ले जा रहा है। अरे लक्ष्य दो ना, तो क्वेश्चन इज नहीं आंसर को तूने ना कुटे लीले ले मी इत असलो तरी मला कळतो तुम्ही काय करतो, तुम्ही जन्मून जेवढे वर्ष झालेत प्लस 6 वर्ष जास्त अनुभव आहे माझा शिकवण्याचा। नेक्स्ट 2018 2018 85,000 इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं, यानी ऑल आर प्रॉफिट, ओनली दैट 17 वाला लॉस, 18 का बेटा 85,000। देन लिखो नेक्स्ट लाइन, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड 3,50,000 3,50,000 एंड नेक्स्ट एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% 10%। कोई भी लिख के नहीं लेगा, बोर्ड पे ध्यान देगा। इधर देखो बेटा, इधर देखो, स्टॉप राइटिंग। स्टेप वन क्या है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की जरूरत नहीं, कितना दिया है बोलो? 3,50,000। स्टेप वन कंप्लीट हो गया बेटा। स्टेप टू है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कि यानी इतना पैसा अगर किसी बिजनेस में लगाते हो तो फिलहाल मार्केट में कितना प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 12%। 12 बोला है ना, 10 बोला क्या? 10 बोला मैंने, अरे क्यों इजी किया भगवान। ठीक है 10%, तो बेटा 35,000 हो गए, तो फिलहाल मार्केट में कितना मिल रहा है? 35। अभी एवरेज प्रॉफिट, अब बताओ हमको 5 साल के प्रॉफिट की टोटल लेनी है बेटा, बता दे जाओ एक एक करके। पहले साल का कितना है? 330 कर दिए गए, नहीं बताओ ना पहले साल का कितना है? 80, दूसरे का, तीसरे का 110, चौथे का -40 बराबर है आगे, तो पहले प्लस की टोटल कर लेंगे बेटा, फिर वो 40 क्या करने के माइनस, तो जल्दी आ जाता है। बोलो टोटल कितनी? 3,00,000। 330 पक्का रखो विश्वास, तो 40 माइनस करके बाय 5 कितना आ रहा है बेटा? 56। क्या हुआ बेटा? 66 राइट, ओके। अब देखो बेटा इधर ध्यान दो, एवरेज प्रॉफिट 66 है, नॉर्मल प्रॉफिट 35 है, तो इसका मतलब बेटा आपका सुपर प्रॉफिट है 31। सुपर प्रॉफिट कितना? 31। अब मुझे गुडविल निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, बराबर है बेटा। ओ सुपर प्रॉफिट कितना है बेटा 31 इनटू टू कर बेटा कितना था 62, खत्म हो गया प्रॉब्लम। अब यहाँ पे ना पार्टनर दिया था ना कुछ दिया था तो इतना ही रहेगा। अगर बोलते 1/4 शेयर के लिए पार्टनर आ रहा हो तो इनटू 1/4 करते, पर कुछ दिया ही नहीं तो ये बिजनेस का गुडविल। इसको कौन सी मेथड बोलते हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट, और ये ज्यादा पावरफुल मेथड है एज कंपेयर टू एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि इसमें कैपिटल का भी विचार किया जाता है। ठीक है लिख लो बेटा, समझे यहीं तो ऐसे होता बेटा, एवरेज प्रॉफिट 30 आता तो 30 माइनस 35 माइनस 5 आता, तो सुपर प्रॉफिट ही माइनस में है तो आपने इस बिजनेस को गुडविल देना ही नहीं चाहिए। आपको मार्केट में दूसरी जगह पैसा डालोगे तो ज्यादा मिल रहा है, तो बेवकूफों को आप गुडविल देने को, ऐसे उसका मीनिंग है। एग्जाम में भी आया तो इतना ही, और कुछ पहले इस पे एक सेपरेट टॉपिक था, ये 5 मार्क को आता था, नहीं आएगा वो एग्जाम में, कुछ अलग स्टेटस में रहेगा तो हो सकता है। या आप भाई 35 ऑनलाइन वाले बेचारे एकदम अच्छे लोग, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, कुछ लेना देना नहीं हमको। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, सत्तर रोड पे तो क्या करता हूँ मैं, 8 बजे अटेंडेंस लेने को बोल देता हूँ शार्प, और ऑनलाइन वालों की 9 बजे। भारी है ना आइडिया, एक ही सेकंड। आपके इसमें कुछ लोग ऑनलाइन वाले काफी रेगुलर है, महेश इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट। ट्रिप्लाबन गए ना महेश भक्त डिमांड, महेश एनआर का ट्रिपल बेटा, कौन से किसको क्या प्रॉब्लम है बोलो, बोला डेट का मैसेज स्कैनर भेज दूंगा। नहीं वो किसने किस कब है, थर्सडे को है, अच्छा अरे ट्यूसडे, डेट क्या है बेटा, अच्छा वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं, और किसी को नहीं दिक्कत ना आ जाए, बस आमिरी काम टेकड़े सब। और सैटरडे संडे नहीं जा सकते बेटा, बहुत ट्रैफिक होता है। चलो देखते हैं, आज मैं ग्रुप पे डालता हूँ फाइनल डेट फाइनल टाइम एवरीथिंग, जो मेन ऑर्गेनाइज करते हैं उनको भी बात। हाँ यार ये गलत है, महेश नहीं दूसरा कौन तरीका है,
आज नवला ट्रिप गया प्लीज ट्यूजडे आहे आज कोण आहे हा आदित्य पायगोड पायगोड बघूया ना बेटा दो दिन दे दो चार को जाते हैं मंडे कैसी एग्जाम है रे चलो चलो ऊपर में स्क्रॉल करूं अरे अभी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाना है ना रक्षाबंधन स्पेशल लिखो गुडविल के एंट्री सिखाने अभी जो आपको अलग है और सीए में अलग है इसलिए दोनों के अलग अलग सीखने फिर मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से दोनों का डिफरेंस सिखा दूंगा तो कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होगा बेटा राइट चलो लिखो बेटा यहाँ पे हाउ टू पास नहीं तो हेडिंग लिख दो गुडविल ट्रीटमेंट गुडविल ट्रीटमेंट गुडविल एक काम करो जगह है शायद बुकलेट में आओ नहीं बुकलेट में है देखो एक मिनट ठहरो एक सेकंड यहाँ पे थी क्या जगह हाँ अच्छा फिर उसके बाद जगह नहीं है लेसन के पहले है क्या एक मिनट रुक जा अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट ऐसे मत करो रे ठहरो लेसन के पहले बाद में जहां पे भी जगह है हेडिंग दो गुडविल ट्रीटमेंट देखो बेटा ये मैं बाद में नहीं सीखा मैं क्या करने वाला मालूम है क्या आज पूरे एंट्री एक्सप्लेन करके दूंगा और इसके पांच प्रॉब्लम लूंगा मैं मंडे को तो मंडे को ऐसे क्या चल रहा है कह रहे हैं आई नीड दैट फीलिंग ऑन योर फेस है चलो देखो गुडविल ट्रीटमेंट हाँ दो पेज में आराम से पांच कैटेगरी है उसकी ए लिखो ए व्हेन व्हेन गुडविल व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर कब तुम्हारी ट्वेल्थ की किताब अपडेट होगी भगवान कौन When goodwill brought in cash by new partner and it is retained in business. लिखा बेटा लिखो उसमें फर्स्ट एंट्री लिखो उस ऑप्शन की पहली एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट लिखा बच्चा सेकंड एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ लॉजिक सीखना है ना बेटा बोलो एंट्री याद रखने की जरूरत नहीं है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया इनटू ब्रैकेट सैक्रिफाइस रेशियो समझ के लो अभी ए नाम का और बी नाम का पार्टनर है जो इक्वल पार्टनर है ठीक है
और प्रॉब्लम में न्यू रेशियो नहीं दिया है, बोल तो वही सेक्रीफाइस रहेगा, कल सीखा मेन लॉजिक, ठीक है। तो ऐसे आज से सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं है। अब नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है सी, और इन्होंने डिसाइड किया कि सी ने 50,000 कैपिटल लाना चाहिए और 10,000 गुडविल में लाना चाहिए। तो इसको बोलते हैं गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, वो गुडविल बिजनेस में ही रहने वाला है। अब एक्चुअल में वो गुडविल लाने वाला है, वो कैश लाता है। गुडविल थोड़ी कहां से किराना दुकान से लाने वाला, हम उसको गुडविल दे बोल तो क्या मांग रहे हैं उसको, कैश। तो बिजनेस के एंगल से सोचो, कैश कम्स इन और गोज आउट, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और हमने उसको गुडविल बेच दिया तो गुडविल गोज आउट, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। तो कैश आ गई, गुडविल चला गया। अब ये गुडविल किसका है, पुराने पार्टनर का, तो ये गुडविल उनको देना चाहिए जो ये रुपए है, रुपए ना देते, रुपए तो बिजनेस में आ गए, ये गुडविल किनको दे देना चाहिए, पुराने पार्टनर। तो अभी जब गुडविल आया, गुडविल के पैसे आए, तब आपने एंट्री की गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब उस गुडविल अकाउंट को क्लोज करना है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, नाम के लिए है वो, पैसे निकालने के लिए। तो अब उस गुडविल अकाउंट को पहले एंट्री में क्या किया था आपने, क्रेडिट, तो उसको क्या करने का अभी, डेबिट, और उस पार्टनर के कहां पर लिख देने का, क्रेडिट। इन शॉर्ट हमने उन पार्टनर का कैपिटल बढ़ा दिया, नया पार्टनर आने की खुशी में इनका कैपिटल बढ़ गया, तो इनका बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा कि नहीं। अब कितने से बढ़ेगा, तो गुडविल अकाउंट डेबिट 10,000, टू एस कैपिटल 5,000, टू बीस कैपिटल 5,000, यही उनका सैक्रिफाइस रेशो रहेगा, हाँ या ना, बोलते तो उन्होंने जो बलिदान दिया उस बलिदान के अगेंस्ट उनको 5,000 रुपए मिल गए, डन। अब इसका सेकंड केस, इसका ही एडवांस स्टेज है, यहाँ पे अभी पैसा नहीं मिला है, खाली गुडविल ट्रांसफर हुआ है। अब सेकंड कैटेगरी क्या है, मतलब ये ए टाइप यहाँ तक हो गया, गुडविल आए और बिजनेस में रख दिया। अब दूसरी कैटेगरी क्या है कि गुडविल का पैसा आया और ए और बी बोलते खाली नाम को नको है, हमको पैसे भी दो। तो अभी उस केस को बोलते हैं व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉल फ्रॉम माय पार्टनर, क्या बोलते बेटा, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय ऑल पार्टनर, उस केस में दूसरी तीसरे में अब वो पैसा लेके चले जाएंगे, कौन, ऑल पार्टनर। अब इमेजिन करो ए एंड बी पैसा लेके जा रहे हैं, तो दे आर रिसीवर, बोलो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और पैसा चला जाएगा टू कैश ऑब्लिक बाय, समझ में आया। तो लिखो हेडिंग नंबर टू, व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश, व्हेन, यहाँ पे ना ब्रॉट के पहले एक वर्ड डालो ऊपर भी नीचे भी, व्हेन न्यू पार्टनर, ऊपर लिखा था क्या न्यू पार्टनर, हाँ बराबर, तो लिखो व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर and it is withdrawn by old partner, and it is withdrawn by old partner, withdrawn by old partner, पहली एंट्री सेम लिखो जो अभी लिखी है, एरो एरो मत बताओ, लिखो पहली एंट्री क्या लिखो के बोलो, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश आई, ऐसा उसका मीनिंग, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दूसरी एंट्री बेटा बोलो, दूसरी एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन लिखा बेटा, लिखा क्या, नंबर तीन, थर्ड एंट्री बोलो, किसी को याद हो तो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, लिखा बच्चा, सबने लिखा, अभी देखो बेटा हम लोग है ना, आपको इसका एग्जांपल बताते हैं तो आपको ज्यादा जल्दी समझेगा, सब लोग तैयार हो, देर इज नो प्रॉब्लम विदाउट गुडविल एंट्री,
मतलब प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता बिना गुडविल के। यहाँ पे देखिए आप कैटेगरी तब भी समझ जाओगे। देखो गुडविल अपना इज टू ब्रिंग द शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बराबर है। गुडविल का पूरे बिजनेस के गुडविल का वैल्यू 2 लाख है और अपर्णा खुद का गुडविल कैश में ला रही है, तो अपर्णा 2 लाख लाएगी या 1/5 लाएगी बेटा, 40,000 लाएगी। अब यहाँ पे कहीं पे बोला है कि पुराने पार्टनर ने विड्रॉ किया, तो ये कैटेगरी कौन सी होगी फर्स्ट, तो पहली एंट्री क्या होगी बोलो, कैश पब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल 40,000, और दूसरी एंट्री गुडविल अकाउंट टू सुजातास कैपिटल टू पूर्णिमास कैपिटल, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कौन है सुजाता और पूर्णिमा, और उनका रेशियो क्या है देख लो ऊपर इक्वल, तो सुजाता ले लेगी 20,000 और ये अपनी क्या नाम पूर्णिमा ले लेगी 20,000। इज दिस क्लियर? अब समझो बेटा इसी सेंटेंस में ऐसा होता आगे, एंड पार्टनर विड्रॉन द गुडविल ऐसे देते, तो फिर तीसरी एंट्री आती क्या आती, सुजातास कैपिटल अकाउंट डेबिट पूर्णिमास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, समझे। इसको और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, कभी कभी ऐसा बोलेंगे ओल्ड पार्टनर विड्रॉ हाफ ऑफ द गुडविल, तो फिर 20 की जगह कितने लेंगे, तो 10 हो गए, बाकी 20 बिजनेस में रहे। क्लियर, मजा आया। ये हो गई सेकंड कैटेगरी, अभी थर्ड लिखो, नंबर थ्री, थर्ड फोर्थ फिफ्थ बहुत चिल्लर है, नंबर थ्री, नंबर तीन लिखो, व्हेन व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश and it is registered in the books of account, when new partner does not bring the share of goodwill in cash and it is registered in the books of firm, ठीक है लिखा बेटा। इसका मतलब क्या सुनो, ये बोल रहे हैं भाई तू आ और 50,000 रुपए लेके आ गुडविल के, वो बोल रहा हूँ मैं कैपिटल ही किडनी बेच के लाया हूँ, गुडविल कहाँ से लाऊं मेरे पास नहीं है, क्या करें। तो फिर पार्टनर बोले अपने को तो गुडविल चाहिए यार बिजनेस में, तो बोला एक काम करो तुम गुडविल बढ़ा लो बिजनेस में, मैं कुछ पैसे वैसे नहीं देने आ रहा हूँ। तो ये लोग नाम के लिए बिजनेस में गुडविल रेस करते हैं, तो गुडविल रेस करने के कारण गुडविल आएगा बिजनेस में, तो गुडविल कम्स इन गुडविल अकाउंट डेबिट, और ये लोग क्या करते हैं फिर खुद का कैपिटल बढ़ा लेते हैं, तो रियल में तो गुडविल आ नहीं, इनको तो क्या फायदा चाहिए अपने को बेनिफिट चाहिए, तो ये लोग ओल्ड, ये लोग है ना कौन ओल्ड पार्टनर्स, ये उनका कैपिटल बढ़ा लेंगे। तो इस केस में बेटा पहली एंट्री की क्या आपने जो अभी पहली की नहीं होगी, ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी, क्योंकि गुडविल आए नहीं कैश में, दूसरी होगी गुडविल बढ़ाना है ना, तो तीसरी भी नहीं होगी क्योंकि आए नहीं तो जाएगा कहां से, तो सिर्फ बीच में की एंट्री होगी, यानी क्या होगी बोलो अभी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पैसे देत नाही ना मला गुडविल घ्या म्हणतोय, मी तुला म्हंटल ट्रिपला चल, ऐक ना राजा बोलतो मी तुला, मी तुला म्हंटल ट्रिपला चल, म्हटलं आहो मी येतो पण पप्पा काही पैसे देणार नाही, मग आम्ही फ्री मध्ये कसं न्यायचं, तर तू म्हटला पप्पा पैसे देतील तर आम्ही एंट्री केली असती कॅश अकाउंट डेबिट टू ट्रिप, मग ट्रिप अकाउंट डेबिट टू मानधनी सर गुंजन सर असं केलं असतं, म्हणून पप्पा पैसेच देणार नाही, मग पैसेच देणार नाही पण आम्हाला तर गुडविल पाहिजे, तर मग कॅश येणार आहे ना कॅश डिवाइड होणार आहे, तर फक्त नावाला गुडविल बिझनेस मध्ये येणार आहे, तर गुडविल आला गुडविल डेबिट, आणि कोणासाठी होतो हा गुडविल ओल्ड पार्टनर, फायदा कोणाला पाहिजे पार्टनर्स, बरोबर आहे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल लिख दिया, पर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो ओल्ड पीएसआर, यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा ओल्ड पीएसआर बोलते, जो वो डिवाइड हुआ समझो प्रॉब्लम है, सैक्रिफाइस रेशियो अलग है पीएसआर अलग है, तो पीएसआर ठीक है। अब चौथा केस इससे ही कनेक्टेड है, लिखो लिखो अच्छे से, व्हेन गुडविल इज रेज्ड, व्हेन गुडविल इज रेज्ड, यानी थर्ड केस का ही एडवांस पार्ट, थर्ड केस में क्या है गुडविल रेज्ड है ना, when goodwill is raised and written off by all the partners and written off WRITTEN written off by all the partners, written off
by all the partners. When goodwill is raised and written off by all the partners. ध्यान से सुनो, वो पार्टनर गुडविल तो ला नहीं रहा है, तो आपने गुडविल तो बढ़ा के ले लिया, तो यहाँ पे भी गुडविल बढ़ा नहीं है। बोलता अभी जो थर्ड नंबर में एंट्री की वो यहाँ पे भी होगी। लिखो वो एंट्री पहले क्या की अभी थर्ड नंबर में, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। लिखो पहले वो एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल टेंशन मत लो, इसलिए तो एडमिशन डिफिकल्ट है ना टॉपिक, इसलिए क्लास लगाया तुमने। आज पूरा समझ गया मेरा क्या काम है। लिखो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखा, बट मुझे बताओ अभी जो आपने एंट्री लिखी और थर्ड नंबर में सेम ही है और पहली लाइन में सेम है कि नहीं? देख लो, गुडविल रेस, गुडविल रेस, मतलब बेसिक लाइन बराबर है। अब फर्स्ट फोर्थ केस में डिफरेंस क्या है जरा समझ के लो। थर्ड केस में गुडविल रेस करो तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर आ गया, वो गुडविल अकाउंट वैसे ही ओपन रहता है, बैलेंस शीट के एसेट में चला जाता है। लेकिन अभी फोर्थ केस में क्या है, गुडविल बिजनेस में, लेकिन ये सब बोल रहे हैं ना कोई होगा गुडविल कुछ काम कर रहे, गुडविल हम निकाल देते हैं, गुडविल हम क्या करते हैं निकाल देते। सी जैसे ही बिजनेस में आया, ए एंड बी ने बोला, ए बी सी तीनों ने मिलके कि नहीं यार अपने को गुडविल नहीं चाहिए, गुडविल निकाल देते हैं। तो अभी थर्ड केस और फोर्थ केस में फर्क क्या है? थर्ड केस में गुडविल एसेट में दिखने वाला था, फोर्थ केस में गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है, निकाल देना है। अब निकाल देना है बोल तो गुडविल आ गया तो डेबिट गया, तो क्या होगा क्रेडिट। अब डेबिट कुछ तो करना पड़ेगा, भुगतेंगे कौन? सब आने के बाद होता है ये, बोलो सब आने के बाद आता है तो डेबिट क्या होगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। लिखो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इतना जल्दी नहीं समझने वाला ये, हाँ आप आज आंसर दे रहे हो ठीक है, मैं मंडे को रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। लिखा बेटा ब्रैकेट में लिखो न्यू रेशियो। अब ऑल है तो न्यू लगेगा ना रेशियो, ऑल है तो क्या लगेगा? न्यू रेशियो। अब है देवी और सज्जनों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझ के लो। नंबर पांच, सिचुएशन नंबर पांच। ए आयस कह देते तो मारा रे आयस है तो फार नहीं ना, नहीं मांगे लास्ट बेंच बालकनी नहीं खिड़कीतून बाहर फेकेल है नंबर फाइव म्हणून उघडी ठेवलेली आहे। नंबर फाइव, व्हेन गुडविल इज गिवन सीक्रेटली। अभी क्या हुआ, अपन ने सी को पार्टनर लिया, उसको बोला बिजनेस में कैपिटल 1,00,000 है, वो बोला ठीक है मैं पापा को मांगता हूँ दे देता हूँ, उसने दे दिया। उसके बोला गुडविल 50,000, बहुत डेंजर आदमी करते, 1 रुपया भी नहीं देने वाला, 1,00,000 कैसे कैसे लाया मम्मी को ये करके वो करके, अब 1 रुपया भी नहीं है। इधर और भी बोल रहे भाई गुडविल दे रहा है तो ठीक, नहीं तो लेते रहो 1,00,000 और निकल, अपने पास एंट्री नहीं है। फिर उसने कुछ तो जुगाड़ किया, मोबाइल वोबाइल बेचा, किडनी विडनी बेची और गुडविल के 50,000 लाके दिए। लेकिन लाके देने के बाद ए और बी को बोला, किसको भी नहीं बोलने का, पता चला ना घर पे घर से निकाल देंगे, तुमको गुडविल चाहिए था ना मैंने दे दिया, लेकिन बोलने का किसको भी नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट में तो लिखने का भी नहीं। ये लो टेबल के नीचे से बोलो एंट्री क्या होगी, उसको छुपाना लॉजिकल ऐसा, नो एंट्री। लिखो आंसर लिखो उसका, नो एंट्री। अब गधे के ऐसा मत पूछना क्या डेबिट क्या क्रेडिट, मैं बोल नो एंट्री लिखा गया। हाँ अभी लिख नो एंट्री, बोल तो एंट्री नहीं होगी मेरे भाई। हाँ अभी लास्ट में नोट लिखो, नोट नोट। When goodwill appear in the books of firm, यानि दिए हुए बैलेंस शीट में अगर गुडविल रहेगा, लिखा बेटा, when goodwill already appears in the books of the firm, ब्रैकेट में लिखो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ये बहुत आईएमपी है, डैश देके लिखो नीचे,
In such cases, if the goodwill is revalued, the difference between revalued value of goodwill, the difference between revalued value of goodwill and its book value transfer to old partner's capital account or revaluation account or revaluation account likha uske baad likho niche if goodwill already appear in the balance sheet and new partner bring goodwill in cash then distribute to write off the goodwill appearing in the books among old partner in their old profit sharing ratio इस टॉपिक में कुछ डिफिकल्ट है तो वो सिर्फ गुडविल है नाम का गुडविल है सबसे बैड एडजस्टमेंट सिर्फ गुडविल पे अभी ये लास्ट पॉइंट जो था समझ के लो एक मिनट में नहीं समझा तो मंडे को देखेंगे सुनो इधर आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल है 10,000 क्या है 10 ध्यान से सुनो बेटा आपके बैलेंस शीट में गुडविल तीन सिचुएशन है लिख के दी दो है बता रहा हूं तीन इसलिए ध्यान दो आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल 10,000 है यानी ओल्ड पार्टनर का 10,000 गुडविल है और प्रॉब्लम नीचे नया पार्टनर कुछ ला रहा है गुडविल का कुछ भी नहीं बोला है बराबर है और गुडविल एडजस्टमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं करने का पर शीट में गुडविल 10,000 है नया पार्टनर और गुडविल ला रहा है कैश में तो जो कैश में आता है जो पहली कैटेगरी थी वो वाली एंट्री कर लेंगे कैश टू गुडविल गुडविल टू ओल्ड पार्टनर और जो पुरानी जो बैलेंस शीट में दिख रहा है ये ओल्ड पार्टनर को पहले ही बांट देने का नहीं समझा ये जो 10,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है इसको पहले ओल्ड पार्टनर में बांट देने का और वो जो मैं उसको नॉर्मल समझ के एंट्री करने क्लियर है अभी तीसरी कैटेगरी गुडविल शीट में 10,000 है और एडजस्टमेंट में बोला उसको 12,000 करो या एडजस्टमेंट में बोला उसको 8,000 करो तो जो भी डिफरेंस है कम हुआ तो लॉस एसेट कम हुआ यानी लॉस एसेट बढ़ गया यानी प्रॉफिट तो जो डिफरेंस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख सकते हो आप लाइक अ नॉर्मल एसेट जो हमने कल देखा नहीं तो पार्टनर के डेबिट या क्रेडिट को भी लिख सकते हो समझो 8 करने को बोला तो नए बैलेंस शीट में गुडविल 8 हो जाएगा और ये लॉस है रिवैल्यूएशन के डेबिट में 2,000 या समझो 10 और 15 करने को बोला एसेट बढ़ गया रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 15 और ओल्ड पर अपना बैलेंस शीट में 15 और रिवैल्यूएशन में 5 और आपके बैलेंस शीट में 15 हो जाएगा ठीक है तो बेटा ये थोड़ा टफ है आई ट्रूली अंडरस्टैंड पर अगर आप मैं मंडे को आपको 6 प्रॉब्लम सिर्फ गुडविल के लूंगा पहले सो दैट यू अंडरस्टैंड विद जर्नल एंट्री एंड ऑल डन चलो मिलते हैं नहीं तो एक काम कर लेंगे पूरे 15 प्रॉब्लम की जर्नल एंट्रीज कर देंगे पहले गुडविल की सिर्फ एकदम भारी टेंशन नहीं आर्या पार
एबसेंट है तो एबसेंट, चलो बाय, एबसेंट रहो ना करे बाबा, गुडविल नहीं करना। हाँ जी।